नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। गर्माता जा रहा है कफ सिरप के सैंपल गायब होने का मामला। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिए जांच के आदेश। जांच के दायरे में ड्रग कंट्रोलर ऋतु सहाय भी आ गई। सदर अस्पताल के औषधि नियंत्रण कार्यालय से सैंपल का गायब होना शंका पैदा करता है। सदर अस्पताल के औषधि निरीक्षक कार्यालय से संदेहास्पद दवा का सैंपल गायब होने का मामला गहरा रहा है। जांच के दायरे में ड्रग कंट्रोलर ऋतु सहाय भी आ गई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को पत्र लिखकर जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही एक सप्ताह में पूरे मामले की जांच कर 8 बिंदुओं पर सिलसिलेवार रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। फार्मा कंपनी ने इस संदेहास्पद दवा को उत्तर प्रदेश के बनारस स्थित बिंध्यवासिनी फार्मास्यूटिकल्स और लखनऊ स्थित मेसर्स मेडा ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा है। बड़ी मात्रा में इस दवा की खरीद बिक्री का भंडारण और औषधि निरीक्षक ने आशंका जताई है कि इस दवा का इस्तेमाल नशे के रूप में किया जा रहा है। ड्रग कंट्रोलर को रिपोर्ट सौंपते हुए नारकोटिक्स ब्यूरो अथवा सक्षम एजेंसी से सहयोग से मामले की जांच कराने का आग्रह किया है, लेकिन ड्रग कंट्रोलर ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इधर सदर अस्पताल में दवा का सैंपल भी गायब हो गया है। बाद में इस मामले में औषधि निरीक्षक की ओर से चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कार्यालय से सैंपल गायब होना संदेह पैदा करता है। सदर अस्पताल के औषधि नियंत्रण कार्यालय से सैंपल का गायब होना शंका पैदा करता है, क्योंकि संदिग्ध दवा का निरीक्षण और सैंपल संग्रहित किया गया था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।